अशोकनगर जिले के होनहार क्रिकेटर राज रघुवंशी का चयन रियल क्रिकेट टैलेंट के अंतर्गत हुआ है। देश भर से टॉप 45 क्रिकेट खिलाड़ियों को इस टैलेंट के जरिए खोज निकाला गया, जिसमें अगले दो वर्षों तक बीसीसीआई लेवल के कोच खिलाड़ियों को क्रिकेट की बारीकियां सिखाएंगे। आपको बता दें, अशोकनगर के राज रघुवंशी अंडर 16 में प्रदेश के एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी है। क्रिकेटर राज रघुवंशी की सफलता को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष मालवे ने। एक और जहां ओलंपिक में देश के तमाम युवा देश का परचम लहरा रहे हैं, देश का सर ऊंचा कर रहे हैं, ऐसी ही कड़ी में छोटे छोटे शहरों से और मध्य प्रदेश से भी ऐसे युवा हैं जो चाह रहे हैं कि वो भी राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। ऐसी एक प्रतिभा आज हमारे साथ मौजूद है, जिसे न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चयन जिसका हुआ है और राष्ट्रीय लेवल की कोचिंग में जिन्हें क्रिकेट के गुर सीखने का मौका मिला है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश से 45 युवाओं का चयन हुआ है, जिसमें अशोकनगर की एक प्रतिभा शामिल है। मेरे साथ मौजूद है आज राज रघुवंशी, जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और आज हम इनसे चर्चा करते हैं। राज, स्वागत है आपका एशियन भारत में। आप हमें बताएंगे कि आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? सर, मैं लगातार 3-4 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। इंदौर में एकेडमी में प्रैक्टिस करता था सर, हमारा क्लब था। आपका जो अभी चयन हुआ है, किस तरह का चयन है? बीसीसीआई ने क्या कुछ इसमें किया है? सर, इसमें बेसिकली उन्होंने हमारा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये रियल क्रिकेट टैलेंट जो निकाला था, इसमें आगे वो हमें किट प्रोवाइड करेंगे, 2 साल की स्पॉन्सरशिप है, आगे भी वो हमें मैचेस देंगे जिनसे हमारा खेल है वो और बेहतर हो सके। आपको राष्ट्रीय लेवल के कोच आपको कोचिंग देंगे, आपने अपने जीवन का क्या एम बनाया अभी तक? मेरा एम है इंडिया टीम में खेलना। आप इंडिया टीम में आप किसको रोल मॉडल मानते हो? मैं एम एस धोनी को मेरा रोल मॉडल मानता हूँ। जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, 2011 वर्ल्ड कप है जो हम जीते थे इंडिया। अच्छा, अभी आपका जयपुर में चयन हुआ है, अभी आप एक शायद क्लास भी लेके आए, तो अभी आपने वहाँ पर क्या सीखा, किस तरह का आपको माहौल मिला उधर? बहुत ही अच्छा माहौल है, रणजी प्लेयर्स थे हमारे साथ जिन्होंने हमें कोचिंग दी, फिटनेस बताया और भी क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ हमें बताया उन्होंने, और कैसे आगे बढ़ा जाए सब चीज़। और देश के टॉप 45 प्लेयर में आपका चयन हुआ है, ये आसान नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा अभी ओलंपिक में देश के तमाम लोग गए थे, 7-8 पदक हमारे देश को मिल पाए, आपका टॉप 45 में चयन हुआ है। आप अपनी सफलता के पीछे इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? आपको इंस्पायर कौन कौन करता है? इंस्पायर घर से भी सब करते हैं और मेरे कोचेस भी हैं, अशोकनगर में भी कोच रह चुके हैं मेरे पहले, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया।